अभी हमें देखना है फॉर द गिवन ए पी ए इज इक्वल टू 3.5, डी इज इक्वल टू 0, फाइंड टी एन। तो टी एन आपको फाइंड करना है, ठीक है। ए पी मतलब क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना दिया आपको, 3.5, 3.5 प्लस एन माइनस 1, डी कितना दिया आपको, 0। तो इसका क्या हो जाएगा, 3.5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 0, 0 से इसको मल्टीप्लाई किया, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 3.5। प्लस किया तो टी एन इज इक्वल टू 3.5 अपने आंसर में, ठीक है। अभी हमें देखना है ये फोर्थ प्रॉब्लम, फोर्थ एमसीक्यू। इसमें आपको एन ऑफ एस फाइंड करना है। तो यूजिंग फार्मूला प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है इसको। उसे क्या था फार्मूला, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है ना। देखो यहाँ पे वैल्यूज क्या दिए हैं आपको, दिया एन ऑफ ए कितना दिया, 2 दिया है। एन ऑफ एस दिया है कि नहीं फाइंड करना है। पी ऑफ ए कितना दिया है, 1/5। तो 1/5 इज इक्वल टू आएगा 2 अपॉन एन ऑफ एस, ठीक है ना। ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया। तो क्या होगा आगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 इंटू एन ऑफ एस इज इक्वल टू आएगा, इक्वल टू आएगा 5 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा एन ऑफ एस इंटू 1 मीन्स एन ऑफ एस इज इक्वल टू 10, 5 10। तो हमारे आंसर कितना आया, 10 आया, मतलब हमारा आंसर होगा ये 18। क्या हो जाएगा, 18 फर्स्ट ऑप्शन।